हाय व्यूअर्स, वेलकम टू डेजीज किचन। आज का रेसिपी है चिकन पकोड़ा। ये काफ़ी ज़्यादा इजी है घर पे बनाने के लिए। तो सबसे पहले आपको लेना होगा एक बंदा गोभी, मिर्च अपने हिसाब से लीजिएगा, अदरक थोड़ा कद्दूकस कर लीजिएगा, प्याज बारीकी कटी हुई और गाजर। ये चिकन है, इसमें मैंने मैरिनेट किया है नमक, लाल मिर्चा पाउडर और थोड़ा अदरक लहसुन। उसके बाद जो बारीकी कट के आप तैयार करके रखे थे वेजिटेबल्स को, उस वेजिटेबल्स को सभी को आपको अच्छी तरह से पहले मिक्स करना होगा। मिक्स करने के बाद आपको इसमें डालना पड़ेगा मैदा। मैदा 2 बड़ी चम्मच, कॉर्नफ्लोर आपको डालना पड़ेगा 4 चम्मच, अच्छी तरह से आप अपने साफ हाथों से उसे मिक्स करना होगा। अच्छी तरह से आप मिक्स करने के बाद आपको अभी पानी डालना नहीं है इसमें, पहला अच्छी तरह से उसे मिक्स कर लीजिएगा। मिक्स करने के बाद आपको इसमें हल्का बैटर बनाना है, मतलब कि इतना गीला भी नहीं बट उसमें चिकन रैप हो सके। उसी तरह जैसा मैं दिखा रही हूँ आप ऐसा ही बनाइएगा। आपको लगे कि ये काफ़ी थिक है और डालना है तो आप और भी डाल सकते हैं इसमें पानी। उसके बाद आप नमक डालिएगा, नमक स्वाद अनुसार डालिएगा कि आप नमक कितना लेते हैं। फिर उसके बाद फिर और एक बार उसे मिक्स कीजिएगा अच्छी तरह से। देखिए कुछ इस तरह से कि आप उसमें चिकन को रैप कर सके कि वो पकोड़ा का शेप में वो आ जाए। तो इस तरह से आप देखिए, फिर भी मेरे को तो लग रहा कि नहीं हुआ है, तो मैं फिर एक बार पानी डाली। उसके बाद चिकन लीजिएगा, इस तरह से आपको वेजिटेबल्स को लेना है कि उसमें बराबर से कोट हो जाए। मैंने साइड में बना के रखी हूँ, तो इस तरह से आपको उसमें मैदा से आपको कोट करना है कुछ इस तरह से। मैदा अच्छे से मिला लीजिएगा इसमें, आप सूखी मैदा आप अलग से लीजिएगा, अपना हाथों से ऐसे गोल गोल बनाइएगा, बना के साइड में रखते जाइएगा। सेम इसी तरह से आपको सब पकोड़े को बनाना है। बहुत ही इजी है ये बनाना। बहुत ही इजी है, देखिए कितना सुंदर से ये गोल बन चुका है। सब इसी प्रकार से आपको बनाना है। एक कढ़ाई लीजिएगा, उसमें आप तेल डालिएगा। अभी ये टाइम है फ्राई करने के लिए। जब आप देखेंगे कि वो शेप थोड़ा बिगड़ चुका है तो आप एक बार हाथों से अपना गोल बना लीजिएगा। उसके बाद कढ़ाई में जितना कढ़ाई तेल है आपका, आप देख लीजिएगा कितना आपका पकौड़ा फिट हो पा रहा है। बोथ साइड आपको पलटना पड़ेगा, पलट के फ्राई करना पड़ेगा आपको। बहुत ही अच्छा रेसिपी है और ये स्नैक्स बच्चे को तो बहुत ही, बच्चे लोग को बहुत ही पसंद आएगा ये स्नैक्स। ये आप इवनिंग टाइम में चाय में ले सकते हैं। देखिए बोथ साइड आप ब्राउन हो चुका है, कितना सुंदर दिखने में। आप एक प्लेट में निकाल लीजिएगा,
ये रेसिपी आप ज़रूर ट्राई करके बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसा लगा। सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा और बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसा लगा, आप घर पे ट्राई किए कि नहीं। थैंक यू सो मच।